अयोध्या वह स्थान जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यह प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में जाना जाता है। अयोध्या तीर्थ के अलावा एक संभावनाओं का भी शहर है। यहाँ उद्योगों की अनेक संभावनाएं हैं। आधुनिक समय में जहाँ निरंतर पर्यटकों का आना जारी है, जो कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम है, यहाँ आप होटल व्यवसाय से जुड़े अनेक कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिन दुगनी की गति से धार्मिक लोगों का आना जारी है। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड, वाहन से संबंधित कार्य तथा ऐसे अनेक कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपकी आय का स्रोत बढ़ सकता है। अयोध्या संभावनाओं का शहर है। यहाँ अब नित्य ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यात्रियों की निरंतरता के कारण तथा उनकी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण तथा आधुनिक रहन सहन की व्यवस्था की जा रही है। या घाटों का निरंतर सफाई और रखरखाव का काम हो रहा है। अयोध्या में आप सड़क तथा हवाई मार्ग से आ सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए अनेक होटल तथा धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्नान के लिए सरयू के तट पर अनेक घाट बनाए गए हैं। यहाँ आकर आप टैक्सी, ऑटो और पैदल और रिक्शा द्वारा हनुमानगढ़ी का दर्शन करके श्री राम भूमि के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ वाहनों की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप घाटों में स्नान करने का आनंद ले सकते हैं और नाव में फुल एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ सस्ते दर पर अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप शाम के समय घाट पे खड़े होकर डूबते सूर्य को निहार सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। अयोध्या धार्मिक क्षेत्र के अलावा संभावनाओं का भी नगर है। आधुनिक समय में यहाँ निरंतर धार्मिक पर्यटकों का आना जारी है। यहाँ आकर आप भगवान श्री राम के दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। यहाँ अनेक पुराने तथा नए मंदिर उपलब्ध हैं, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं।
अयोध्या में आप हवाई मार्ग द्वारा और सड़क के द्वारा भी आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको लखनऊ हवाई अड्डे से टैक्सी तथा बस भी उपलब्ध है।